भागवत भगवान को भी कहते हैं और भगवान के भक्तों को भी कहते हैं, या यूं कहें एक श्लोक में संपूर्ण भागवत जी का दर्शन और एक श्लोक में संपूर्ण भगवान के भक्तों का दर्शन। भक्तों का स्वरूप कैसा होता है, उनका स्वरूप कैसा होता है, भक्तों का स्वरूप कैसा होता है, जो भगवान के जो समर्पित रहते हैं उनका स्वरूप कैसा होता है, वो संसार में कैसे होते हैं और भगवान का स्वरूप कैसा होता है, परिचय दिया है। या एक श्लोक ऐसा सर्वप्रथम मातम्य में ऐसा रख दिया कि हम अपने जीवन का स्वयं मूल्यांकन करें कि भागवत के हम अनुयायी हैं या नहीं, हम अधिकारी हैं या नहीं, इस रस के पात्र हैं या नहीं, इसलिए पहला टेस्ट लिया गया हम सबका और बताया गया है। सर्वप्रथम अपने को प्रश्न पत्र दिया गया है, क्या है इस श्लोक के माध्यम से भगवान का परिचय दिया गया है कि भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, ये जानना हम सब का है। जितने भी परम भक्त हैं यही जानना चाहते हैं भगवान दिखते कैसे हैं, ताकि उनको जाने और वो क्या क्या करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। भागवत का यही संवाद है और इनकी जो धुरी है, इनका जो बिंदु है, इनका जो केंद्र है, वो है संत। इसीलिए श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसका संवाद संतों से प्रारंभ होता है। रामायण खोलो, उमामेश्वर संवाद, अन्य किसी पुराण को खोलो, उमामेश्वर संवाद, कहीं ना कहीं भगवान से संबंधित या अन्य से संबंधित आएगा। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जो संतों का संवाद, संतों का ही संवाद सुनोगे। अभी जैसे सुत सोनक जी का आएगा, फिर व्यास जी महाराज जी का आएगा, परीक्षित और सुखदेव जी का आएगा, मैत्रेय और विदुर जी का आएगा, विदुर जी और उद्धव जी का आएगा, संतों का संवाद। तो जीवन बदलने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए संतों से संवाद करें, संतों को पूछें, भागवत वो रास्ता दिखाता है। तो इसीलिए सबसे पहले भगवान के स्वरूप के बारे में बताया, तो भगवान कैसे हैं, सबसे पहले सत्य, सत चित और आनंद। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। और क्या करते हैं, विश्वोत्पत्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व को पुनः अपने अंदर लीन करना, यह परमात्मा करते हैं। क्यों करते हैं, ताप त्रय विनाश, देहिक देविक भौतिक त्रिविध तापों का शमन करना। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण को, उनकी युगल स्वरूप को वयम नुमह, हम सब नमन करें। यहां वयम शब्द लिया हम सब के लिए,
हम सब इसमें वक्ता प्रमुख नहीं है। श्लोक देखो, इसकी गरिमा देखो। वयम हम सब ने त्वम ना अहम, वयम हम सब कर। अन्य जगह प्रधानता कहने का मतलब यहां जो यह है कि हमारा सबका संपूर्ण ध्येय सिर्फ इसी चिंतन में रहना चाहिए। यह श्लोक सबके लिए है। इसलिए भगवान कैसे हैं? सत्य स्वरूप। और भगवान सत्य स्वरूप है, इस चीज की गारंटी कौन दे सकता है? हम। वयम शब्द आया है, इसकी जो है प्रामाणिकता कौन देता है? हम ही देते हैं कि भगवान सत्य स्वरूप है। ये अगर जीव परमात्मा का अंश है तो निश्चित मानो उसमें भी सत्य है। हम सब अगर दिन भर झूठ बोलेंगे, बात बात पर झूठ बोलेंगे, लेकिन दूसरे से क्या कहेंगे? मुझे लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त है, झूठ बर्दाश्त नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, लाखों रुपए का बोलता जा रहा है, झूठ फिर बोलता जा रहा है, लेकिन दूसरे से हमेशा क्या चाहेगा? सत्य बोलो। तो यानी कि जो अंदर जो परमात्मा का जो आत्म तत्व है, जो सूक्ष्म जीव है, वो हमेशा सत्य की खोज में रहता है कि मुझसे कोई सत्य हो। परमात्मा सत्य स्वरूप। दूसरी बात, चित्त यानी कि प्रकाश। रात को 5 मिनट लाइट चली जाए, अब तो इनवाइटर आ गए सारी चीजें, और इनवाइटर नहीं, अरे मोबाइल की जड़ा लाइट की, यानी कि अंधेरा किसी को पसंद नहीं है, सबको प्रकाश चाहिए। कोई नहीं रहना चाहता अंधेरे में। कहने का मतलब क्या है? जो आत्म तत्व है, जो अंदर जो परमात्मा का अंश है, वो हमेशा उस प्रकाश की खोज करता रहता है। अपन चाहे दूसरों को अंधेरे में रखें, लेकिन खुद को प्रकाश चाहिए। दूसरों से झूठ बोले, लेकिन खुद को सत्य चाहिए। और तीसरा, आनंद, जिसके लिए रात दिन भक्त है, उसी आनंद की खोज के लिए, उसी आनंद को पाने के लिए रात दिन एकदम घानी की बेल की तरह चक्कर निकालते हैं। कैसे भी वो आनंद मिले, तो पैसा कमाऊंगा सुखी हो जाऊंगा, ये करूंगा सुखी हो जाऊंगा, इस संसार में भटकते रहते हैं। किस लिए? केवल आनंद। लेकिन अपन अलग लेते, ये मान के चलिए, अगर आपको आनंद लेना है, आनंद को खोजना है, तो सिर्फ आपके अंदर है, बाहर है ही नहीं। सत्य भी आपको अपने अंदर से बोलना है, प्रकाश भी आपको अपने अंदर करना है, और आनंद को भी आपके अंदर ही ढूंढना है, क्योंकि वो ज्योति स्वरूप परमात्मा, चित्त स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा आपके अंदर ही है, बाहर है ही नहीं। जब उसका अस्तित्व, जब वो ज्योति, जब वो चेतना, जब वो सत्य, जब वो आनंद इस देह को छोड़ के निकलता है, तो कुछ नहीं रहता है। यही बात है, और यही कार्य हम करते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतव, परमात्मा का इस सृष्टि सृजन का कार्य, हम भी दिनों दिन संसार में लगे रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते तापत्रय विनाशाय, ये परमात्मा ही करते हैं। देहिक, देविक, भौतिक, अगर त्रिविध तापों को आपको समझ चाहिए, किसी प्रकार से अगर कोई देवताओं का दोष है, देहिक दोष, भौतिक दोष बोलते, तो
आर्थिक हो, सामाजिक हो, किसी प्रकार का भौतिक दोष हो, तो भी यही संबंध है। तीन तीन कड़ी का मतलब समझो, एक एक चीज एक एक से जुड़ी है। भागवत जी के इस श्लोक के जो तीन पाद हैं, उनमें तीन तीन का संग है। पहले सत चित आनंद, दूसरे में विश्वस पत्यादि हेतवे उत्पत्ति पालन संगा, तीसरे में ताप त्रय विनाशायु देहिक देविक भौतिक, चौथा कहीं नहीं है। तीन तीन और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सत्य बोलो, आपको कभी कोई देव दोष नहीं लगेगा। आप उस परमात्मा का चिंतन करो, आपको कभी भी भौतिक कष्ट नहीं होगा। आप उस परमात्मा के अंदर ही आनंद सुन दो, परमात्मा को पाने की खोज करो, उसी आनंद को पाने की चेष्टा करो, कभी भी आपको दैहिक दोष नहीं लगेगा। हर प्रकार की बीमारियां आदि व्याधि इन सब का अगर, और इन्हीं तीनों में ये सत्य ही आपके इस जीवन का निर्माण करेगा, ये प्रकाश ही आपके जीवन का पोषण करेगा, और ये आनंद ही परमात्मा आपके जीवन को परमात्मा अपने अंदर लेकर आएगा। अगर निर्माण भी करना है, उत्पत्ति भी करनी है, तो सत्य के साथ करो। निर्माण किसी भी चीज का करना है, सत्य के साथ करो। उसका सर्जन करना है, उसका पोषण करना है, तो प्रकाश के साथ करो, चेतना के साथ करो। मान के चलो, आनंद इतना रहेगा कि पूछो मत। संपूर्ण जीवन की जो मानव देह धारण करने का जो परम देह है, वो पूर्ण होगा। फिर कहा, वयम श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय या आते ही चार हो जाते हैं। श्री अलग है, कृष्ण अलग है, वयम अलग है, और नमः अलग है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन संपूर्ण जहां श्री की धर्म की प्राप्ति, श्री चाहे किशोरी जी को मानो, चाहे लक्ष्मी जी को मानो, धर्म अर्थ वयम और मोक्ष नमः, तो चारों पुरुषार्थ इस श्लोक के चौथे चरण में आए हैं। आप इन चीजों का पालन करो, परमात्मा का यही स्वरूप है, इसी चीज को ढूंढो, इसी में समाओ, इसी की खोज करो। परमात्मा ऐसा स्वरूप रखते हैं, और उन्हीं स्वरूप को हम सब नमन करते हैं। भागवत समाधि की भाषा है, शाब्दिक अर्थ बहुत अलग है, और व्यवहारिक अर्थ इसका बहुत अलग है। ये तो वह भगवान का स्वरूप। दूसरे श्लोक में जहां सुखदेव जी का वर्णन आता है, तो भागवत के भक्तों को कैसा होना चाहिए, भगवान के भक्त कैसे होते हैं, जो इस स्वरूप को जान लेते हैं, उनकी स्थिति सुखदेव जी जैसी होती है। कोई मतलब नहीं है फिर उनको, जन्म लेते ही जो विचरण करने के लिए निकल जाते हैं, जिनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है, और अगर उनके पीछे संसार के आत्मीय लोग अगर उनके पीछे भगे भी, तो उनका उत्तर भी परमात्मा प्रकृति के द्वारा दिलाते हैं। तो यानी कि जहां से संत गुजरे, जहां से महापुरुष गुजरे, जहां से भगवान के भक्त गुजरे, वहां उसको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती है, वहां तो जड़ भी चेतन हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं और व्यास ही पुत्र पुत्र कर रहे हैं, उनका उत्तर भी पेड़ पौधों ने, प्रकृति ने दिया, महाराज आप किस पुत्र की बात कर रहे हैं। तो ये मान के चलो, जहां जड़ चेतन हो जाए, चेतन जड़ हो जाए, तो निश्चित मान के चलो
कि वहां ये परम भागवत, ये संपूर्ण, ये साक्षात परमात्मा का वो अंश है जो निरंतर भगवान के सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप में अवगाहन करता है। और इस स्वरूप से हमसे ज्यादा कोई और परिचित नहीं हो सकता। जय जय की जहां भी उपस्थिति रहती थी, मानो वहां पर प्रकृति उनका स्वागत करती है, सत्कार करती है, समर्पण करती है। हम सबका जीवन का अनुभव है आचार्य श्री की उपस्थिति। क्यों 5000 वर्ष पहले के इतिहास में हम भागवत जी के उस कथन में जाएं? हम तो वर्तमान में जीने वाले व्यक्ति हैं, वस्तुस्थिति प्रैक्टिकल हमने जीवन में देखा है। जो वस्तुस्थिति हमने जे जे के सानिध्य में देखी, जहां उपस्थिति कभी भी जाओ, उनकी उपस्थिति के अंदर उन नहीं बोलना भी जे जे का बोलना बहुत कुछ होता था। देखने मात्र से ऐसा लगता था कि काफी समय वार्ता हो गई। दर्शन करते एकदम जो मंद स्मितता जैसे देते, उसमें संपूर्ण जैसे देहिक दैविक भौतिक जैसे त्रिविध ताप उसी समय नष्ट हो गए। ऐसे महापुरुष, ऐसे आचार्यों की संगति और कृपा हमको मिली। सुखदेव जी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके वैराग्य को, उनके ज्ञान को, उनकी भक्ति को, उनके समर्पण को हमने जे जे के स्वरूप में देखा है। इतना साहित्य और ऐसी ऐसी परिस्थिति में सर्जन किया, जहां एक तरफ तो औषधियां चल रही है, दूसरी तरफ लेखनी चल रही है। अत्यधिक पीड़ा है, अत्यधिक कष्ट है, लेकिन अगर कोई भी दर्शनार्थी द्वार पर आया है तो दर्शन से यही संतों का स्वभाव, यही महापुरुषों का स्वभाव, यही भागवत प्रहण जो होते हैं, महाभागवती जो होते हैं, उनके सद लक्षण यही होते हैं। आइए एक ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां श्रीमद्भागवत के महत्व में हम सबको ऐसे स्थान पर उपस्थित करता है जिसका नाम है नेमिषारण्य। जहां शौनक इत्यादि जो ऋषि हैं वो सत्संग की इच्छा से बैठे हैं। देखो व्यक्ति को जीवन में कैसा होना चाहिए, श्रोता को कैसा होना चाहिए और वक्ता को कैसा होना चाहिए। शुद्ध सोनक संवाद, नेमिषारण्य की वो दिव्य धरा जहां शौनक आदि ऋषि वहां पर विराजमान हैं और उन्हीं के मध्य के अंदर सूची महाराज विराज और शौनकों के परम लक्षण क्या है। कथामृत रस स्वाद कुशल, कथा अमृत रस सार कुशल, केवल उनको कथा ही चाहिए। निरंतर जिनकी कथा सुनने की इच्छा परमात्मा की, सूची को देखती, अरे पधारिए महाराज, आइए विराज, महाराज कथा सुनो। और महाराज क्योंकि तीनों लोकों के अंधकार को समाप्त करने के लिए सूर्य की किरणें काफी है। इस संसार के अंदर जब अंधेरा आता है तो सूर्य निकलता है, उस अंधकार को समाप्त कर देता है महाराज। लेकिन जो जीव के अंदर जो अंधकार है उसको सूर्य समाप्त नहीं कर सकता।